Hello, welcome to my Java tutorial. The topic of the tutorial is variables in Java. Programming is very easy, only you need to understand the concept. Variable kya hota hai? Variable refers to a memory location where some data, value or information is stored. Variable never stores any value. ऐसे students जो अपनी definition में ये बोलते हैं कि variable is used to store the data. तो ये गलत है because memory is used to store the data, value or information. Variable is defined by its type. It means the type defines the data variable refers. अगर कोई भी variable है वो किसी भी data को अगर refer कर रहा है तो जो type है वो define करेगा उस type के data को. The Java programming language is statically typed, which means that all variables must first be declared before they can be used. Java programming language is a statically typed language क्योंकि यहाँ पर हर variable पहले declare करते हैं उसके बाद ही उसे use करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम direct variable को use कर लेंगे. Variable का जो declaration के लिए जो syntax है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम data type define करते हैं, फिर variable का नाम और semicolon. और variable को अगर हमें initialize करना है तो उसके लिए जो syntax है वो ये variable name जो हमने data type के बाद लिया था, variable name is equal to literal या फिर वो particular value जो हमें process करनी है. We can declare and initialize the variable in a single statement with syntax. अगर इन दोनों statement को और syntax को combine करें तो data type variable name is equal to literal या फिर value. डेटा टाइप जो सबसे पहली वाली चीज़ थी, ये डेटा टाइप. तो डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल रेफर्स, डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा विच इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड. इन जावा वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा. एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर सिंपल डेटा टाइप, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, अ प्रिमिटिव टाइप इज डिफाइंड बाय द लैंग्वेज एंड इज नेम्ड बाय अ रिजर्व्ड कीवर्ड. जितने भी प्रिमिटिव हम जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो हमेशा डिफाइन होते हैं किसी न किसी कीवर्ड से, और जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो शेयर नहीं करती स्टेट्स को विद अदर प्रिमिटिव वैल्यूज़. ये एक हायरार्की है. ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसमें दो टाइप के, बुलियन एंड न्यूमेरिक टाइप. न्यूमेरिक टाइप में भी दो टाइप के, इंटीग्रल टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप. जो इंटीग्रल टाइप है ये फाइव टाइप का है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एंड कैर. अगर आप चाहें तो जो हायरार्की है उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप में बुलियन, करेक्टर एंड न्यूमेरिक आप रख सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट हायरार्की है वो इसी तरह से रहेगी. प्रिमिटिव डेटा टाइप बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन. तो जो हमने यहाँ पर ये यूज़ करा था कि प्रिमिटिव टाइप इज डिफाइंड बाय द लैंग्वेज एंड इज नेम्ड बाय अ रिजर्व्ड कीवर्ड. तो ये जितने भी हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जावा में. अब जैसे कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है बाइट, उसका जो साइज होता है वो 1 byte होता है. शॉर्ट का 2 byte, इंटीजर का 4 byte, लॉन्ग का 8 byte, फ्लोट का 4 byte, डबल का 8 byte, कैर का 2 byte, बुलियन का अनडिफाइंड. काफ़ी लोग यहाँ पर जो साइज बताते हैं वो बताते हैं 1 bit, लेकिन जावा में ये अनडिफाइंड है. क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू होती है बुलियन में वो दो तरह की ही वैल्यू हम ले सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. अब आंसर ये आता है कि फिर 1 bit क्यों बोलते हैं? तो 1 bit बेसिकली आया है जहाँ पर हम बिट के साथ वर्क करते हैं, और सी और C++ में हम बुलियन वैल्यू को ना लेके हम वहाँ पर लेते थे 0 और 1. तो अगर हम 0 को लेते हैं या 1 लेते हैं तो ये क्या है, ये 1 bit है. इसी वजह से काफ़ी लोग जो साइज है वो बताते हैं 1 bit, लेकिन ये अनडिफाइंड है. अब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हमें बाइट की कभी कोई वैल्यू हमें प्रोसेस करनी है और बाइट की वैल्यू हमने नहीं दी, या फिर कंपाइलर कोई वैल्यू असाइन करता है तो फिर वो होती है डिफॉल्ट वैल्यू. तो जो बाइट की होती है डिफॉल्ट वैल्यू वो 0, शॉर्ट की 0, इंटीजर की 0, लॉन्ग की 0, फ्लोट की 0.0, डबल की 0.0. जो कैर होता है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो यू और क्वेड 0. जो बुलियन है इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है फॉल्स, वेयर यू क्वेड 0 इज अ यूनिकोड वैल्यू डिनोटिंग नल और 0 इन डेसिमल. जैसा कि हमने डिस्कस करा, ऑल द प्रिमिटिव्स आर कीवर्ड्स इन जावा. अब जो दूसरे टाइप का डेटा होता है उसे बोलते हैं ड्राइव्ड डेटा टाइप. द डेटा टाइप विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप. इन जावा वी हैव स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट फॉर ड्राइव्ड डेटा टाइप बिकॉज स्ट्रिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव. जितने भी प्रिमिटिव टाइप के डेटा है अगर हम सबको मर्ज भी करते हैं तो एक स्ट्रिंग बन जाती है. द स्ट्रिंग क्लास इज नॉट टेक्निकली अ प्रिमिटिव डेटा टाइप बट कंसीडरिंग द स्पेशल सपोर्ट गिवन टू इट बाय द लैंग्वेज. अब लिटरल क्या होते हैं? जैसा कि आपने नोटिस करा है कि न्यू कीवर्ड इज नॉट यूज्ड व्हेन इनिशियलाइजिंग अ
वेरिएबल ऑफ अ प्रिमिटिव टाइप. जैसा कि हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते थे कि ऑब्जेक्ट को जब भी हम मेमोरी एलोकेट कराते थे, इनिशियलाइज करते थे, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते थे, लेकिन वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता. प्रिमिटिव टाइप आर स्पेशल डेटा टाइप्स बिल्ट इनटू द लैंग्वेज. दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास. अ लिटरल इज अ सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू. लिटरल आर रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन योर कोड विदाउट रिक्वायरिंग कंप्यूटेशन. इन जावा लिटरल आर ऑफ फाइव टाइप्स: इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, बुलियन एंड स्ट्रिंग. अगर इंटीजर है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी 10, 20, 34, 5, 6, 7, 4, 3. अगर डबल है तो जो वैल्यूज होगी वो होगी 10.2, 12.4, 13.87894, 10.324.43675 एक्सेट्रा. अगर कैरेक्टर है तो जो बेसिकली वैल्यूज होगी वो ए होगी, डी होगी, हैश, स्टार एक्सेट्रा. अगर बूलियन है तो दो ही वैल्यू होगी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. और स्ट्रिंग है तो कुछ भी हो सकती है स्ट्रिंग, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन. एज शोन बिलो इट्स पॉसिबल टू असाइन अ लिटरल टू अ वेरिएबल ऑफ अ प्रिमिटिव टाइप. जैसे कि अगर हमने यहाँ पर डिफाइन करा, ये तो हो गया डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल नेम, और ये हो गया लिटरल. तो बूलियन चेक इज इक्वल टू ट्रू. यहाँ पर जो बूलियन है वो है डेटा टाइप, चेक वेरिएबल, और ट्रू बेसिकली लिटरल. इसी तरह से कैर सी इज इक्वल टू डी. जो कैर है ये है डेटा टाइप, सी इज द वेरिएबल नेम, एंड डी इज द लिटरल और वैल्यू. बाइट बी इज इक्वल टू 100, शॉर्ट एस इज इक्वल टू 1000, इंटीजर आई इज इक्वल टू 100. इन जावा वेरिएबल आर ऑफ थ्री टाइप्स. जावा में तीन तरह के वेरिएबल होते हैं. फर्स्ट वन इज अ लोकल वेरिएबल, सेकेंड इज इंस्टेंस वेरिएबल, एंड थर्ड इज स्टैटिक वेरिएबल. जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उन्हें हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं. ये थ्योरेटिकल पार्ट था, होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी. नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम प्रोग्रामिंग पे वर्क करेंगे, जिसमें हम वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करेंगे, जिसमें लोकल आएगा, इंस्टेंस आएगा, स्टैटिक आएगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लॉग इन कर सकते हैं www.learn2earnlabs.com/contactus.php. हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.